आगरा में प्रेस वार्ता एमडी जैन कॉलेज सभागार हरि पर्वत आगरा पर हुई। प्रेस वार्ता के ठेकेदारों ने लंबित भुगतान सहित कई अन्य समस्याओं का निस्तारण नहीं होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय जारी रखा है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुबोध रावत का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों का उत्पीड़न एवं अधिकारियों की दमनकारी नीतियां एवं हठधर्मिता के कारण निविदाओं का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। विगत कई वर्षों से निर्माण कार्य एवं डिपॉजिट पार्ट दो एंड पार्ट पाँच के रूप में रोकी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ठेकेदारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। यह कारण ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए विवश करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई ठेकेदारों के घर में शादी विवाह है, यह सब जानते हुए भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। रॉयल्टी एमएम 11 जो कि खनन विभाग द्वारा जारी होती है, वह खनन क्षेत्र से निकलकर बॉर्डर पर चेक होकर ठेकेदार के पास पहुंचती है, जहां ठेकेदार उन्हें ऑफिस में देते हैं तो खनन के पोर्टल से ही खुलती है। सुबोध रावत अध्यक्ष कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन लोक निर्माण लोक निर्माण विभाग आगरा मंडल आगरा का अध्यक्ष सुबोध रावत। क्या समस्या है, क्या है? हमने टेंडरों का बहिष्कार इस वजह से कर रखा है कि हमारा भुगतान 7-8 महीने से किसी भी ठेकेदार का दीपावली पर भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया, जबकि वो बिल भी एक एक दो दो साल पुराने हैं। आश्वासन दिया गया कि आपका भुगतान कर देंगे, पर इन्होंने वो भुगतान नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने हमारी एक रॉयल्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितना भी हमारा जो खनन मटेरियल आता है वो जैसे राजस्थान से एमपी से आता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है और सब गाड़ियाँ एमएम 11 को सब दिखाते हुए आती हैं हमारे पास। वो जब एमएम 11 हम डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तो उसमें कुछ वो ट्रांसपोर्टर की गलती समझो, किसी गलती समझो, वो पहले प्रयोग की मिल जाती है, वो हम चेक नहीं कर सकते। वो सिर्फ खनिज विभाग की आईडी से ही चेक होता है। तो हमारे दो रमन्ने भी अगर जो है प्रयोग किए हुए पाए गए तो एक रमन्ने पे हमें 30,000 पेनल्टी देनी पड़ती है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। और इन्होंने 6 गुनी पेनल्टी कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या एक भुगतान की समस्या, तीसरी बात जीएसटी की समस्या थी 12%। जैसे आपका हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने पर रेट तो कोई नहीं बदल सकता, पर जो टैक्स होते हैं उसमें होता है कि जैसे 12% जीएसटी नियमानुसार दे तो जो वेरी करेगा तो आप पेमेंट क्यों नहीं करेंगे भाई? हमें 12-18 करना चाहिए। ये काम जो बन गए, कहाँ बन गए? पूरे आगरा, पूरे उत्तर प्रदेश में बंद है। आगरा मंडल में हमने बंद करा रखे, पहले से वहाँ बंद थे। आपका गाजियाबाद है, नोएडा है, बुलंदशहर है, फिरोजाबाद है, मथुरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, सब बंद है। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी समस्याएं नहीं होंगी, रॉयल्टी से निजात नहीं मिलेगी, हमारा भुगतान नहीं होगा, तब तक हम टेंडरों का बहिष्कार करेंगे, एक भी काम नहीं करेंगे। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।